बस ऑटोमधून महिलांच्या पर्स दागिने चोरी करणाऱ्या महिला टोळीचा पर्दाफाश झाला आहे. फिर्यादीच्या बॅगमधून पर्स काढून पोबारा झालेल्या महिला टोळीला ट्रॅफिक पोलिसांच्या मदतीने अटक करण्यात आली आहे. या पाच महिलांची टोळी असून पाचही महिला नातेवाईक असल्याचं समोर येत आहे. नागपूर शहर में आए दिन अक्सर जो बसेस में बैग लिफ्टिंग या पिक पॉकेटिंग होती है या फिर महिलाओं के बैग से पैसे और जेवरात चोरी होते हैं, वैसे ही एक गैंग हमने अभी अरेस्ट की है. कल अपराध क्रमांक 32/2024 कलम 379/34 आईपीसी के तहत हमने एक गुना दाखिल किया है. इस क्राइम की जो फिरियादी है गुरप्रीत कौर जसपाल सिंह रैत उम्र 45 साल, यह अपने माता पिता के साथ परासिया जाने के लिए एनआईटी के सामने जो बस स्टैंड है वहां पर रुकी हुई थी. बस में चढ़ने के बाद वो उनका ध्यान अपने माता पिता की ओर था. उसी दरमियान पांच महिलाएं बस में चढ़ी और उनके पीछे धक्का मुक्की करके उनके पर्स से एक छोटा पर्स बैग से एक छोटा पर्स चुरा लिया जिसमें उनके पैसे और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह थे. थोड़ी देर बाद वो सारी महिलाएं उतर के सिटी बस में जाके बैठ गई. तब जाके उनको एक पीछे वाले आदमी ने बताया कि आपके बैग से पर्स चोरी करके वो महिलाएं भाग गई है. फिरियादी ने तुरंत उतरकर उस बस जो सिटी बस में जिस सिटी बस में वो महिलाएं बैठी थी वहां पर जाकर ट्रैफिक पुलिस की मदद से उन सारे पांचों महिलाओं को पुलिस स्टेशन लेकर आए थे. उनकी रिपोर्ट दर्ज करवा के हमने ये पांचों महिलाओं के खिलाफ गुना दाखिल किया है. रेशमिका पवन नाळे, अनु धीरज मानकर, शीला गोविंद मानकर, पायल मोनू मानकर और सुहासिनी आकाश लोंडे, ऐसी पांच महिलाएं हैं. इन्होंने अपना एड्रेस बुट्टीबोरी पुल के नीचे झुपड़पट्टी में रहती है ऐसा बताया है, लेकिन हम उसका भी वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि एड्रेस सही है या गलत है.